कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले से भारत हैरान और स्तब्ध है। 9 पूर्व सैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि सजा दी गई, लेकिन आरोप का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया। परिवार को भी नहीं पता कि उनके अपनों को किस जुर्म में सजा दी गई है। ये सभी अल दहरा कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी हुई, 9 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू हुआ। 7 सुनवाई के बाद सजा सुना दी गई। कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से पहले रिहा कर दिया गया। दोहा में भारतीय राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को इन पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की थी। जब से ये खबर आई है, भारतीयों के मन में सवाल और चिंता है कि इन्हें कैसे बचाया जाएगा, भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं। आइए जानते हैं। भारत सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। सभी पूर्व अधिकारियों का नौसेना में 20 साल तक का बेदाग कार्यकाल रहा और उन्होंने सैन्य बलों के प्रशिक्षित सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। वे भारतीयों को सभी राजनयिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। भारत ने पहले भी उच्च स्तर पर कतर के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकार इस मामले में आरोप की प्रकृति और हर देश की अपनी न्यायिक प्रक्रिया को समझते हुए गल्फ स्टेट पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाई। इन पूर्व अफसरों के परिवार ने कतर के अमीर के पास भी दया याचिका लगा रखी है। हाँ, कतर के अमीर चाहें तो ये सजा माफ हो सकती है। रमजान और ईद के दौरान माफी देने के लिए जाने जाते हैं। कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील हैं। रक्षा और सुरक्षा के सहयोग पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साल 2016 में कतर गए थे। ये देश एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। यहाँ 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो इस देश के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय से आते हैं। सजा पाए जाने वाले पूर्व नौसैनिकों के घर वालों के अनुसार, उन्हें हिरासत के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्हें तब पता चला जब कंपनी से संपर्क किया गया। कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इतना जरूर तय हुआ कि कैद में भारतीयों को एकांत कारावास में शिफ्ट कर जेल के वार्ड में रखा गया है। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।